और आप जल्दी बिठा देंगे क्योंकि व्यवस्था है। हाँ तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो हमारे सामने जो सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लिख के दिया वही माननीय महामहिम ने अभिभाषण प्रस्तुत किया है। इस अभिभाषण में कुछ ऐसा नया नहीं है, खाली बजट नहीं है, खजाना खाली है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, डबल इंजन की सरकार है, इसके अलावा इस अभिभाषण में कोई तथ्य नहीं है। इस अभिभाषण में एसटीएससी के लिए कोई भी नीति कोई भी योजना नहीं बनाई है कि एसटीएससी के लिए हम क्या करेंगे। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में पहले भी मांग करता हूं कि जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वहां के युवाओं की और क्षेत्र की जनता की कब से मांगे, मैं पहले भी मैंने विधानसभा में मांग उठाई थी और अब भी उठा रहा हूं कि ये विशेष मांगे। उसके बाद जो राज्य का एसटी का प्रशासनिक सेवा में 12% आरक्षण मिलता है, तो हमारे टीएसपी एरिया को इस 12 में से प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण पृथक से दिया जाए, क्योंकि हमारे टीएसपी क्षेत्र में भील आदिवासी जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो 1 बीघा जमीन है, किसी के पास जमीन भी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं, खेती भी बराबर नहीं कर पाते हैं, उनको वास्तविक आरक्षण मिलना चाहिए। वो आज तक 75 साल तक वास्तविक जो हक हमको नहीं मिला है, ये आरक्षण हमको मिलना चाहिए। अभी तो हम सीखे ही अब हैं आरक्षण होता क्या है। पहले आरक्षण के नाम पर दूसरे ही सब ने फायदा उठाया है। अभी भी हमको एसटीएससी को 100 साल तक आरक्षण की आवश्यकता है तो हम बराबर लेवल तक आएंगे। आज तक हम यहां पर आए नहीं है। हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कल, किसी ने माननीय सदस्य ने कहा था, अरे ये वनवासी क्या बोलेंगे। अरे भाई हम ही सीख रहे हैं, हम तो हम आदिवासी हैं, अभी तो सीख रहे हैं, लेकिन तुम्हें हम पे आपत्ति है, एससी एसटी पर आपत्ति है तुमको, हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। अभी राम मंदिर की बात कर रहे हो आप, वहां पर गोमूत्र छिड़का जाता है, गंगा जल से साफ किया जाता है, और फिर आप कौन से विकास की बात कर रहे हो, कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो। आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ भेदभाव होता रहा है और भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हमें 100 वर्ष और लग जाएंगे, ये आरक्षण व्यवस्था चाहिए हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, किसी के माध्यम से हमें हटाना चाहती है। आज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कार्तिक भील हत्याकांड हुआ, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, 90,000 वृक्ष उजाड़ दिए, आदिवासियों को वहां से भगाया जा रहा है, आदिवासियों को वहां पे गोली से उड़ाया जा रहा है, और बता रहे हैं जो वहां पर हत्या अगर आवाज उड़ा था आदिवासी तो उसको नक्सली बताकर उसको गोली मारी जा रही है। क्या ये डबल इंजन की सरकार है, क्या ये मोदी जी की सरकार है, क्या आदिवासी इंसान नहीं है, क्या आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि ये ऐसा हो रहा है। पहले हमारे टीएसपी क्षेत्र में और आज भी कई जगह नाम मात्र के सरपंच हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं, और मेरे से पहले भी आए माननीय सदस्य आए विधानसभा में, उनकी डिजायर किसी और के पास रहती थी, और जो सदस्य तो एमएलए बन के आता वो खाली नाम मात्र के साइन करते, फायदा दूसरों ने उठाया। आज भी आदिवासियों को फायदा आज तक नहीं मिला है। सरपंच एसटी का बन गया, उप सरपंच पूरा चला रहा है पंचायत,
प्रधान बन गया एसटी का, उप प्रधान चला रहा है पूरी पंचायत समिति। ये घटना आज भी है, आज भी चल रही है, आज भी हमें वास्तविक में हमें जो अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविक उनको अधिकार मिलना चाहिए। कई वर्षों से आदिवासी लोग बिना नाम जमीन पर बैठे हुए हैं, जो जंगल में बैठे हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, ना तो उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, ना तो बिना नाम पर जमीन पर वर्षों से बैठे हुए हैं उनको पट्टा या खातेदारी हक उनको नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी कभी शहर की ओर नहीं गया, लेकिन शहर वाले और गांवों में जा रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। अगर गरीब है उसके लिए कानून है, नियम है, लेकिन जो पैसे वाला है, जो अमीर है, उसके लिए कोई कानून कोई नियम नहीं। उसके लिए नदी में भी उसके होटल बन जाएगी, उसके लिए मकान भी अलॉटमेंट हो जाएगा, और जो बरसों से लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं है। तो मैं चाहता हूं सभापति महोदय जी, वास्तविक में जो लोग बैठे हुए हैं बरसों से, उनको खातेदारी हक दिया जाए, उनको वनाधिकार पट्टा दिया जाए। ये नीति आपने नहीं बनाई, ये अभिभाषण में नहीं लिखा कि आदिवासियों के लिए हम ये करेंगे, एससी के लिए ये करेंगे, एसटी के लिए ये करेंगे। खाली बस जो लिख के भेज दिया, बजट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत साहब ने 2 साल कोरोना काल था, फिर भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। कई रोजगार चलाए निशुल्क, जो भी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चालू की, 25 लाख का निशुल्क इलाज मिल रहा था, फ्री में दवाई, ये भी अशोक गहलोत साहब की योजना है, अशोक गहलोत साहब की देन है। वास्तविक में वो अशोक महान सम्राट राजा हुआ करता था, और इन्होंने भी ऐसे काम किया है। भले आप ऊपर से मना कर रहे होंगे, दिल से तो वास्तविक में कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों का 36 वर्ग के लिए काम किया था। खाली आपने नाम बदलने का काम किया। मणिपुर की घटना, मोदी जी मौन, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन। क्यों मौनो भाई, क्यों मौनो? क्योंकि वहां मणिपुर में वहां पर महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए आवाज आप नहीं उठाओगे। अगर कोई हिंदू होता तो आप आवाज उठाते, क्योंकि वो तो आदिवासी है इसलिए आप आवाज नहीं उठा रहे हो। उनकी इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके लिए आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। अरे मोदी जी, ये डबल इंजन की सरकार है क्या? मणिपुर भारत का राज्य नहीं है? लेकिन ये इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो देश को एकीकरण नहीं, उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। अरे जो बैठे बैठे नहीं बोले माननीय सभापति महोदय, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, जो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने राजीव गांधी बोले माननीय सदस्य। सर मेरे 12 मिनट नहीं, आप शांत रहे ब्राजे, आप माननीय सदस्य, आप ब्राजे, आप ब्राजे, माननीय सदस्य, आप ब्राजे, ब्राजे, हाँ मेरे लिए ब्राजे, आप ब्राजे, बजाओ 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 ब्राजे, बजाओ 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 माननीय सदस्य, आप विषय पर बोले, आप ब्राजे, सब ब्राजे बोल रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, और हमें यहाँ भी दबाया जा रहा है, हमें यहाँ भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, हमारे क्षेत्र की आवाज बोलने हमें यहाँ भी दबाया जा रहा है। बोलिए, हमारे पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने निकल रहा है, जो आपके दल ने जो समय दिया वो निकल रहा है, जल्दी बोले सर। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, प्रतिपक्ष के नेता ने आपका समय दिया, ब्राजे जल्दी ब्राजे। आप राजीव गांधी युवा मित्र जो लगाए थे 5,000, आज ये युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज युवा वहां पर 20 दिन से भटक रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, नहाने के लिए कपड़े नहीं है,
एक ही ड्रेस में आए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, महिला बच्चा लेके आई है, लेकिन आपने उनको हटाने का काम किया। वो सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे थे, उनको फायदा दिला रहे थे, बोले केंद्र सरकार की योजना हो, बोले राज्य सरकार की योजना हो। अरे काय के कार्यकर्ता थे वो, तो सभी सरकार की योजना घर घर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आपकी सरकार में पंचायत सहायक जो लगे थे उनको हमारी सरकार ने नहीं हटाया, उनको और नियमित किया। ये है कांग्रेस सरकार, ये दिखती है आपकी सोच। और कांग्रेस की सोच क्या है? आप युवाओं के कितने हितैषी हैं? मैं कहना चाहूंगा जितनी योजना की आप बात कर रहे हैं, खाली आपने नाम बदलने का काम किया है। पेंशन बिराजे, आज गरीब लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं। और राशन की दुकान पर सर दो मिनट, श्री उदयलाल बनाना, हमारे साथ पक्षपात क्यों ऐसा? नहीं, जो समय है हमारे साथ पक्षपात क्यों ऐसा? आप सभापति होगा, सभापति की कुर्सी पे बैठे हैं, न्याय करें हमारे साथ। 12 मिनट हो गए। जय श्री राम, 13 मिनट, जय श्री राम, जय श्री राम, समय जो जय श्री राम, 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 समय जितना है। जय श्री राम, वक्ता बहुत है, टाइम स्टार्ट हो गया, बैठो, आपका समय पूरा हो गया। माननीय सदस्य बिराजे, आप बिराजे, बिराजे, आप बिराजे, जय श्री राम, प्लीज प्लीज चालू करें, शुरू करें। माननीय सभापति महोदय, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की। माननीय सदस्य प्रारंभ करें, समय प्रारंभ हो गया आपका। ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारी चिंता हम करेंगे, हमारी चिंता मत करो। जय श्री राम।